देश की कोयला राजधानी धनबाद में इन दिनों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में यहां के लोगों ने चिपको आंदोलन का रास्ता चुना है। लोग अब पेड़ों की कटाई का खुलकर विरोध करने लगे हैं। माइनिंग के लिए BCCL की आउटसोर्स कंपनी जब पेड़ काटने पहुंची तो उन्हें पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति और स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस विरोध की वजह से सैकड़ों पेड़ कटने से बच गए। दरअसल धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित कोपाली चौक के 13 नंबर से 17 नंबर के बीच स्थित 1 किलोमीटर तक फैले हरे भरे जंगल को काटने पहुंची BCCL की टीम का स्थानीय लोगों ने खुलकर विरोध किया। न सिर्फ सड़क पर उतरकर लोगों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की बल्कि दर्जनों महिलाओं एवं बच्चों ने जंगल में उतरकर पेड़ों से चिपक गए और BCCL प्रबंधन से पेड़ों को नहीं काटने की गुजारिश की, जिसके बाद आउटसोर्सिंग पैच चालू करने को लेकर यहां स्थित करीब 2000 पेड़ों को काटने के लिए पुटकी पहुंचे PB एरिया के कोपाली चक कोलियरी प्रबंधन को बैरंग लौटना पड़ा। इस संबंध में BCCL PB एरिया प्रबंधक का कहना है कि जिला प्रशासन एवं वन विभाग को पत्र भेजा गया है, वन विभाग से पेड़ काटने का आदेश ले लिया गया है, सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई है। देश को कोयले की जरूरत है, इसलिए यहां पर नापी के बाद पेड़ों की कटाई जरूरी है। पेड़ कटिंग का जो परमिशन मिला है यहाँ माइंस चलाना है, हम लोग परमिशन ले चुके हैं। कितने पेड़ का परमिशन है? लगभग जो है 1705 का है और 300 पेड़ लगभग जो है सो ट्रांसप्लांट करना है। कितना पेड़ है यहाँ? पेड़ उतना ही होगा जो उन लोग का इंस्पेक्शन से जो पेड़ पता चला उतना ही होगा, तभी तो वो लोग उतना ही दिया जितना हम लोग एरिया बताए। क्या कि यहाँ DFO आए थे, रेंजर साहब आए थे। लोगों का विरोध है क्या इस पर? कैसे क्या पेड़ कटाई हो पाएगी? विरोध है तो वार्ता की जाएगी, वार्ता की जाएगी, लोग के लिए वार्ता की जाएगी। कितना पेड़ काटने का अनुमति सर? 1705 पेड़ का काटने की अनुमति है कि यहाँ 1705 के बीच है और 300 पेड़ जो है सो ट्रांसप्लांट करना है। अच्छा, वन विभाग की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ है? हाँ, अभी नहीं, पर जब इंस्पेक्शन के समय आए। नहीं, वही स्थानीय लोगों का कहना है कि धनबाद में प्रदूषण चरम पर है, ऐसे में पेड़ों की कटाई उचित नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए झारखंड उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका भी दायर किया है। उन्होंने कहा कि हजारों पेड़ों का सवाल है, इसी वजह से स्थानीय लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया है। देखिए, ये पूरा मामला है आउटसोर्सिंग करने के लिए और गलत तरीके से BCCL चंद पेड़ों को परमिशन लेके हजारों हजार पेड़ काट दे रहा। इसके पहले खैरा माइंस के पास में RTI के जवाब से आया था कि 62,500 उक्त स्थल पर वृक्ष थे और मात्र 3960 पेड़ों को लेकर वहां पर 3960 पेड़ों को लेकर काट दिया गया। उसके बाद जो है करकेन नेहरू पार्क के पास में चंद पेड़ों का भी परमिशन नहीं लिया, वहां भी पेड़ काट दिए। अभी BCCL 13 नंबर और 17 नंबर में लगता है कि लाखों घने जंगल होंगे, उक्त स्थल पर मैं कफन और पितामरी ओढ़कर 24 घंटा का धरना दिया। 2021 में भी उस जगह पर पेड़ को कटाई की गई थी, उसकी मैंने DFO से शिकायत की, RTI मैंने पूछा, DFO और BCCL से दोनों 21 से ये लोग मामला को पेंडिंग रखे हुए जवाब नहीं दे रहे हैं। अन्यथा हम माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची में 23 तारीख को हम जाके जनहित याचिका दायर कर दिए हैं ये लोग के खिलाफ में। कई महीनों से BCCL को कहते आए हैं कि पेड़ नहीं कटने देंगे, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है, पेड़ कट जाएगा इतना अधिक प्रदूषण होगा कि हमारा जीना दुभर हो जाएगा। अभी हमारे लिए नहीं, पूरे धनबाद के लिए लाई ला रहे हम लोग, हमारा साथ पूरे धनबाद देना चाहिए। आज BCCL की मंशा है कि अगर पेड़ों को काटे तो हम पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने उठाना है कि पेड़ों को बचाना है। इस उद्देश्य के साथ हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर BCCL फिर भी ना मानी तो हम चिपको आंदोलन चलाएंगे, हम पेड़ से चिपक जाएंगे, पेड़ को नहीं छोड़ेंगे। BCCL चाहे तो हमें भी काट सकती है, हमारे लोगों को काट सकती है, लेकिन हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। बता दें कि धनबाद ने प्रदूषण के मामले में दिल्ली को भी पछाड़ दिया था। उस समय प्रदूषण स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स की सघनता 554 पार थी, PM2.5 का स्तर 544.2 और PM10 का स्तर 554.9 था, जो राष्ट्रीय मानक 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से 5 गुना अधिक थी। ऐसे में इस शहर के पेड़ों की कटाई के बारे में सोचना भी बेमानी होगी। कोयला निकालना है तो भूमिगत खदानों को विकसित करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।